हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पॉलिटी में प्रस्तावना के भाग 3 को देखेंगे। अभी तक हमने प्रस्तावना में 2 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना के बारे में जाना और प्रस्तावना की कुछ बेसिक चीज़ों को और सारी चीज़ों को हमने देखा। अगर आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उस वीडियो आप प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं पॉलिटी की वीडियो में। तो आज हम चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। जो भी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहला केस वर्ष 1957 में आता है। वर्ष 1957 क्या है ये? भारत संघ बना, देखिएगा भारत संघ बना। मदन गोपाल, मदन गोपाल, ठीक। मैं आपको एक तरीके से पहले बता देता हूँ, 1957 में सबसे पहला केस भारत संघ बना मदन गोपाल हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह न्यायालय के द्वारा परावर्तित नहीं किया जा सकता। फिर अगला, फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण केस है 1960 में बेरुवारी बात, जो कि पाकिस्तान भारत के संबंध के बीच एक समझौता था, इसमें जमीन का समझौता किया जा रहा था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान को समझने के लिए आवश्यक है, ठीक। और उसके बाद आगे बोलता है 1973 में बढ़ते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और उसने कहा कि 1960 में जो उसने कहा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसे आदेश को बदल दिया और बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब संविधान का भाग है तो संशोधन होगा। संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो 368 के तहत संशोधन किया गया। चलिए हम देखते हैं आगे। फिर 1957 सबसे पहला देखते हैं भारत संघ बनाम मदन गोपाल। इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह किस वाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आपको बताना है कि मदन गोपाल भारत बनाम मदन गोपाल वर्ष 1957 वर्ष पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला केस आता है बेरुबारी बात, वर्ष 1960 में बेरुबारी बात। बेरुबारी बात एक जमीन विवाद था, क्लियर। बेरुबारी बात इसमें क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, भारत और पाकिस्तान में जमीन विवाद होता है, समझौता होता है, और उस समझौते में यह केस आता है और वहां पे प्रस्तावना घुस जाती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है। और जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जाता, तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्लियर। किया जा सकता है। फिर उसके बाद 1967 में अगला केस आता है जिसमें प्रस्तावना की चर्चा होती है, वह केस कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना
संविधान को समझने के लिए आवश्यक है। संविधान को समझने के लिए आवश्यक है, क्लियर। अब इसके बाद मेन आता है 1973 के लिए आवश्यक है, जो संविधान प्रस्तावना में बदली करता है, आवश्यक है, ठीक। ये तीनों वाक्य 1957 भारत संविधान आवेदन को बाद इसमें प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अगला 1960 बेरुबारी बार इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा इसमें संशोधन नहीं किया जाता। उसके बाद 1960 में गोलकनाथ द्वारा पंजाब राज्य में कहा गया प्रस्तावना संविधान को समझने के लिए आवश्यक है। इसके बाद वर्ष 1973 में क्या आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसे रफ करता हूँ मैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन, ठीक, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किस बात में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया, तो बेरुबारी वाद के द्वारा और 1960 बेरुबारी वाद 1960, ऑप्शन ये रहेगा कि बेरुबारी वाद 1960, बेरुबारी वाद 1962, बेरुबारी वाद 1965 और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो आपको यहाँ देखना है कि किसके द्वारा होता है। अब हम रख करते हैं इसे, अब इसके बाद देखेंगे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें क्या होता है। केशवानंद बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ध्यान दीजिएगा। 1973 में फिर एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कब कहा था, 1960 में कहा था, कौन से भाग में कहा था, अभी मैंने लिखा था, कमेंट करके बताया कौन से भाग में कहा था, ठीक। आगे देखते हैं 1973 में, 1973 में क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, भारती बनाम केरल राज्य, यही जो है मेन है, इसी से क्या होता है प्रस्तावना में परिवर्तन हो जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी माननीय प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, क्लियर। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो हमें पता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें कि हमारा लेडी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, अब मम्मी ने बोला बच्चा बाबू जाओ खेलने, पढ़ाई हो गया तो बाबू क्या करेगा, खेलने चला जाता तुरंत, ठीक, कापी किताब बंद हो या ना हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 1976 में संशोधन हो गया, किस कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा संविधान में, संविधान का प्रस्तावना में, प्रस्तावना में
पहला संशोधन किया गया किया गया जो कि पहला और आखिरी अंतिम भी है, ठीक है। इसके बाद संशोधन प्रस्तावना में अभी तक नहीं हुआ, और तथा इसमें तीन शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए, ठीक है। कौन कौन से तीन शब्द जोड़े गए हमारे सामने, तीनों शब्द देखिएगा। पहला समाजवादी, क्लियर, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दूसरा क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या जोड़ा गया हमारे पास, अखंडता, अखंडता, ठीक। हम भारत के लोग भारत को महान बनाएंगे, क्या करेंगे, सोशलिस्ट जोड़ा गया, सोशलिस्ट, उसके बाद पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर जो आजकल लोग चर्चे में है, उसके बाद अखंडता, इंटेग्रिटी, ये भी चर्चा में है, सेकुलर की बात दूसरी पार्टी कर रही है और अखंडता की बात दूसरी पार्टी कर रही है, क्लियर। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये तीन संशोधन करके बैरिस्टर संस्थान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत के प्रस्तावना क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण बहुत संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन 1976 से पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हमको नहीं बनाना था, हमें भारत को ऐसा नहीं बनाना था, हमें 1976 से पहले कैसा बनाना था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा बनाना था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना था, दूसरा क्या बनाना था, लोकतांत्रिक बनाना था, और तीसरा क्या बनाना था, गणराज्य बनाना था, हमको इतना ही बनाना था, ठीक। सॉवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ठीक है, सॉवरेन बनाना था, सॉवरेन और लोकतांत्रिक, रिपब्लिक और गणराज्य, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बनाना था और उसके बाद रिपब्लिक बनाना था। अगर आपसे पूछे कि 1976 से पहले भारत को क्या बनाना था, हमें प्रस्तावना के आधार पे हमें बनाना था संपूर्ण बहुत संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, SDR बनाना था, क्या बनाना था, SDR। SDR को मैं बता देता हूं कि यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुद्रा है, SDR, क्या है, SDR, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिएगा, SDR। और हमें क्या बनाना था, SDR का फुल फॉर्म वहां पे सिंपल ड्राइंग राइट होता है, क्या होता है, सिंपल ड्राइंग राइट, यहाँ क्या है, SDR, SDR, ठीक। 1976 पहले हमें यह बनाना था, लेकिन 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इन दोनों तीनों चीज को जोड़ा तो हमने क्या किया, यहां जोड़ दिया, हम भारत के लोग, यहाँ बीच में दो एस और जोड़ दिया, ये वाला और ये वाला, SSI है ये एस हम यहाँ लगा दिए। तो 1976 के बाद क्या हुआ कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने लगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने लगे। उसके पहले क्या बनाते थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष हटा दीजिए, वो जो तीन बचा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था, क्लियर। तो 1976 में ये तीन संशोधन करके जोड़ा गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इसे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, लघु संविधान, क्लियर। अब इसके बाद एक और प्रस्तावना से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसे हम आपको बताएंगे, इसे रफ करते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले SDR था, 1976 के बाद क्या होगा, ट्रिपल
ट्रिपल एसडीआर, क्लियर, पहले एसडीआर था, ट्रिपल एसडीआर, ठीक, पहले डीएस सर्वर था, अब डीएस सर्वर भी सेम हो गया, क्लियर, रब कर रहा हूं इसे। और इसके बाद आखिरी एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, क्लियर, इसे मैं नोट करवाता हूँ। तो अभी आप रिविजन करिएगा कि सबसे पहले 1960 में, 1957 में मदन गोपाल में कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा परावर्तित नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद 1960 में बेरुबारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद बेरुबारीवाद के बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के समझने के लिए आवश्यक है। उसके बाद 1967 के बाद 1973 के स्वतंत्र भारती, इसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का भाग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1907 का जो डिसीजन था उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि 1960 में जो बोला गया था वो डिसीजन अभी नहीं काम करेगा, जो अभी डिसीजन नया डिसीजन वो काम करेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वर्ष 1995 आता है, ठीक, इसमें बोला जाता है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का अभिन्न अंग है, इंटेग्रल बॉडी है, क्या है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, कौन सा केस है, एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया में बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, कौन सा अंग है, इंटेग्रल अंग है, ठीक है, इसको बाहर नहीं किया सकता, कौन सा अंग है, अभिन्न अंग है संविधान का प्रस्तावना। इसके बाद प्रस्तावना में इतने ही इंपॉर्टेंट केस हुए थे तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, तो आपको याद होना चाहिए एलआईसी ऑफ इंडिया और वक्त, यानी कि ईयर भी याद होना चाहिए, 1995, 1995 में कहा गया था, किस वाद में संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, तो केशवान भारती बनाम केरल राज्य, और लघु संविधान किसे कहते हैं, तो वैधता संविधान को लघु संविधान कहते हैं, और किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरुबारीवाद 1960 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो प्रस्तावना का जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केसेस थे, वाद थे, उसे हमने आज देख लिया। इसके बाद जो प्रस्तावना का क्वेश्चन और बचा है, अगले टॉपिक में हम प्रस्तावना को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।